कुछ लोग मानते हैं कि वे देवताओं के पैरों के निशान हैं। दूसरों को लगता है कि वहाँ रात में परियां आती है। कुछ अन्य लोगों को शक है कि वहाँ UFO आते हैं। लेकिन आज तक कोई भी नामीब रेगिस्तान पर बनी लाखों गोलाकार आकृतियों की व्याख्या नहीं कर पाया है। दुनिया के सबसे पुराने रेगिस्तान की कुछ अनसुलझी पहेली। नंबर 1, मुश्किल मरुस्थल। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के अटलांटिक तट से लगा नामीब रेगिस्तान धरती पर सबसे सुखी जगहों में से एक है। स्थानीय नाम भाषा में इसका अर्थ है वह इलाका जहां कुछ भी नहीं है। मंगल ग्रह की सतह जैसा दिखने वाले इस भूभाग पर रेत के टीले हैं, ऊबर खाबर पहाड़ है और 3 देशों के 81,000 वर्ग किलोमीटर में फैले बजरी के मैदान हैं। 5,50,00,000 साल पुराने नामीब रेगिस्तान को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना जाता है। सहारा रेगिस्तान सिर्फ 20 से 70 लाख साल पहले का है। गर्मियों में यहाँ तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और रातें इतनी ठंडी होती है कि बर्फ जम जाए। बसने के लिहाज से यह धरती के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक है। फिर भी कई प्रजातियों ने इसे अपना घर बनाया है। इस प्रक्रिया में कुछ विचित्र भू आकृतियों का निर्माण हुआ है जो विशेषज्ञों को चकित कर देते हैं। नामीब रेगिस्तान दक्षिणी अंगोला से नामीबिया होते हुए 2000 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी हिस्से तक फैला है। नामीबिया के लंबे अटलांटिक तट पर यह नाटकीय रूप से समुद्र से मिलता है। ऐसा लगता है मानो पूरब की ओर रेत का अंतहीन समुद्र फैला हो जो दक्षिण अफ्रीका के 160 किलोमीटर अंदर विशाल ढलान तक जाता है। नंबर 2, अनुकूलित जानवर। नामीब रेगिस्तान के सबसे सूखे हिस्सों में साल में औसतन सिर्फ 2 मिलीमीटर बारिश होती है। कई साल बिल्कुल बारिश नहीं होती, फिर भी ओरिक्स, स्प्रिंगबॉक, चीता, लकड़बग्घा, शुतुरमुर्ग और जेब्रा ने यहाँ की कठोर परिस्थितियों में खुद को ढाल लिया है। शुतुरमुर्ग पानी के नुकसान को कम करने के लिए अपने शरीर के तापमान को बढ़ा लेते हैं। हार्टमैन के पहाड़ी जेब्रा कुशल पर्वतारोही है जिन्होंने रेगिस्तान के बिहर इलाकों में खुद को ढाल लिया है। ओरिक्स बिना पानी पिए सिर्फ पौधों की जड़ और कंद खाकर हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, नरक का दरवाजा। नामीब रेगिस्तान का सबसे जानलेवा इलाका रेत के टीलों और टूटे हुए जहाजों के जंग खाए पतवारों से भरा हुआ है। अटलांटिक तट पर 500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला यह इलाका कंकाल तट के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी अंगोला से मध्य नामीबिया तक फैला यह इलाका वेल के अनगिनत कंकालों और लगभग 1000 जहाजों के मलबे से पटा हुआ है जो पिछले कई सदियों में यहाँ जमा हुए हैं। यह कंकाल तट अक्सर घने कोहरे से ढका रहता है जो अटलांटिक की ठंडी बेंगुएला धारा और नामीब रेगिस्तान की गर्म हवाओं के टकराने से बनता है। समुद्री जहाजों के लिए इस कोहरे से पार पाना कठिन होता है। स्थानीय सैन्य लोगों का कहना है कि ईश्वर ने इस क्षेत्र को गुस्से में बनाया है। 1986 ईस्वी में अफ्रीका के पश्चिमी तट के किनारे किनारे चलते हुए पुर्तगाल के मशहूर नाविक डियागो काओ कुछ समय के लिए कंकाल तट पर रुके थे। काओ और उनके लोगों ने वहां क्रॉस की स्थापना की, लेकिन कठिन परिस्थितियों में वे ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाए। जाते जाते उन्होंने इस जगह को नाम नरक का दरवाज़ा दे दिया। नंबर 4, रेत के शानदार टीले। सैलानी सोसुश्वेले के इर्द गिर्द रेत के गेरुआ टीलों को देखने नामीब आते हैं। नमक और कीचड़ का यह पैन 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले अफ्रीका के 3रे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में है।
रेत के टीले में नाबिब में हर जगह है, लेकिन सोसवेले के आसपास उनका रंग हरे नारंगी रंग का है। यह रंग असल में जंग का है। यहाँ की रेत में लोहे की सांद्रता काफ़ी अधिक है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। यहाँ के रेत के कुछ टीले दुनिया में सबसे ऊंचे हैं। कुछ टीलों की ऊंचाई 200 मीटर तक है। सोसवेले के उत्तर में एक टीला तो करीब 400 मीटर ऊंचा है। नामीब की हैरान कर देने वाली कई पहेलियों में सबसे बड़ी पहेली एक भू आकृति है, जिसे परियों का घेरा कहा जाता है। एक खास प्रजाति के घास से घिरे गोल गोल घेरों में कोई पौधा नहीं होता। पूरे नाबिब रेगिस्तान में ऐसे लाखों घेरे हैं, जो कई दशकों से विशेषज्ञों को चकित किए हुए हैं। नंबर 5, रेगिस्तान पर गोल गोल धब्बे। इन घेरों को आसपास से देखना सबसे अच्छा है। नाबिब के अंतहीन रेगिस्तान में हर जगह ये घेरे देखते हैं, जो कई बार चेचक के धब्बों की तरह लगते हैं। ये घेरे बजरी के मैदानों में भी मिलते हैं और रेत के टीलों पर भी। हर जगह उनकी संरचना गोल ही रहती है। सेंट्रल नाबिब में घेरे का व्यास 1.5 मीटर से 6 मीटर तक होता है। उत्तर पश्चिमी नाबिबिया में वे इससे 4 गुना तक बड़े हो सकते हैं। वहां घेरों का व्यास 25 मीटर तक हो सकता है। वर्षों तक यही समझा जाता रहा है कि परियों के ये छल्ले सिर्फ नामीबिया में हैं। 2014 में पर्यावरण वैज्ञानिक ब्रॉनविन बेल ने पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में भी ऐसे ही घेरे ढूंढे। इन शानदार आकृतियों से हैरान होकर बेल ने जर्मनी के पारिस्थितिकी की वैज्ञानिक विशेषज्ञ स्टीफन गेट जीन से संपर्क किया और अपनी खोज साझा की। ऑस्ट्रेलिया में मिले घेरे देखने में तो नामीबिया के घेरों जैसे ही हैं, लेकिन दोनों जगहों की मिट्टी की संरचना अलग है। इसने वैज्ञानिकों को और चकरा दिया। नंबर 6, देवता के पैरों के निशान। परियों के घेरे की पहेली सुलझाने में विशेषज्ञ भले ही चकरा रहे हैं, लेकिन नामीबिया के स्थानीय लोगों को इन आकृतियों के बारे में बहुत पहले से पता था। स्थानीय हिम्बा लोगों का विश्वास है कि इन्हें आत्माओं ने बनाया है और ये उनके देवता मुकरू के पैरों के निशान हैं। आकृतियों के रहस्य को सुलझाने के लिए गणित के कुछ विशेषज्ञों ने मॉडल बनाकर यह समझने की कोशिश की कि क्या ये रिंग किसी पैटर्न में बनते हैं। लेकिन नामिब नौकल लुफ्ट राष्ट्रीय उद्यान के बाहर रोस्टॉक रिट्स डेजर्ट लॉज के मालिक हेंस उल्टस का कहना है कि स्थानीय लोग मानते हैं कि यह रहस्यमय आकृतियां यूएफओ या रात में परियों के नाचने से बनती है। नंबर 7, वहां सच सामने है। आज तक इन घेरों की व्याख्या करने वाला कोई सर्वमान्य सिद्धांत सामने नहीं आया है। हाल के वर्षों में नामीबिया, जर्मनी, अमेरिका और अन्य देशों के वैज्ञानिकों ने एक साथ इन पर काम शुरू किया है। रेगिस्तान के बीच में बने गोबा वेव नामीब रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक यूजिन मारेश का कहना है कि नाबिब में पानी की घोर कमी से दो प्रमुख सिद्धांत सामने आते हैं। कुछ शोध बताते हैं कि ये घेरे दीमक के कारण बनते हैं, जो जमीन से पानी और पोषक तत्वों को तलाशते रहते हैं। पौधे की जड़ों को खाकर वे जमीन के नीचे खाली जगह बना लेते हैं, जिससे बारिश के पानी को धरती के अंदर तक पहुंचने में आसानी होती है। इस सिद्धांत के मुताबिक दीमक भूमिगत स्रोतों से पानी पीकर पूरे साल जीवित रहते हैं। दूसरा सिद्धांत यह है कि वनस्पतियां खुद यह प्रबंधन करती है।
घास के पौधों को भी पानी और पोषक तत्वों की जरूरत होती है। उनकी जड़ें इसके लिए एक दूसरे से होड़ करती है। बंजर गोलाकार क्षेत्र जलाशय की तरह काम करता है, जहां से वे पानी और पोषक तत्व लेते हैं। नंबर 8, अबूझ पहेली। वर्षों के सूखे के बाद घास सूख जाते हैं और धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। मारेस एक और पहेली के बारे में बताते हैं कि वह यह है कि जब भी बारिश होती है तो अचानक जादू की तरह ये घेरे फिर से प्रकट हो जाते हैं। मारेस के मुताबिक नामिब के इन परी घेरों पर हुए शोध मुख्य रूप से बजरी के मैदानों या रेत के टीलों पर मिले घेरों पर केंद्रित रहे हैं। इन आकृतियों को पूरी तरह समझने के लिए उनको लगता है शोध को एक साथ दोनों जगह ध्यान देने की ज़रूरत है। मारेश को लगता है कि ये रहस्यमय घेरे एक नहीं बल्कि कई वजहों के इकट्ठा होने से बनते हैं, लेकिन वे वजह क्या है ये अब तक रहस्य है।